हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारी साइकोलॉजी और पेडागोजी की क्लास चल रही थी, उसके अंदर हमारा इंटेलिजेंस का चैप्टर चल रहा था जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सारे फैक्टर्स और थ्योरीज हमने उसके बारे में डिस्कस कर ही लिया है। तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, सारे जो हमारे भावनाएँ होती हैं उसके बारे में बात करेंगे कि फर्स्टली किसने दी, क्या चीज़ बोली गई थी इसमें, बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल है, टीचर को क्या चीज़ याद रखनी चाहिए, तो उन सब के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमें दिया गया था, संवेगिक बुद्धि का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, वो किसने दिया। वो हमारे देने वाले थे सॉल्वी। तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस के जो प्रतिपादक थे, ये वाला इसके बारे में जिन्होंने बताया था, बात करी थी, इम्पोर्टेंस दी थी इंटेलिजेंस के अंदर, वो हमारे सॉलोवी व जॉन मेयर थे जिन्होंने इसके बारे में कहा था। अब इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इमोशंस आपको पता ही है, इमोशंस होती हैं हमारी भावनाएँ। अब हमारी भावनाएँ कैसी होती हैं, वो किसी भी रूप में हो सकती है। अच्छा, अगर मैं किसी चीज़ को देख के बहुत खुश हो रही हूँ, हैप्पीनेस आ रही है मेरे अंदर, है बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, तो क्या सिर्फ वही इमोशंस है? सैडनेस, कुछ अलग तरह की डर, ये सब क्या है? वो भी हमारे इमोशंस ही हैं। सिर्फ खुशी और दुख होना ही इमोशंस नहीं है, उसके अलग भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो हम डेली देखते हैं, जिनके बारे में सुनते हैं। आपको अभी कोई चीज़ मिलती है, आप बहुत खुश हो जाते हैं कि वाओ, मेरी फेवरेट चीज़ मिल गई, या मेरे बर्थडे पे मुझे ये चाहिए था, मुझे ये मिल गया। और वहीं दूसरी चीज़ आपको ना मिले, या कोई आपको सैड न्यूज़ मिले, तो आप वहीं पे सैड हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जब आपको किसी चीज़ से बहुत डर लगता है, आप हॉरर मूवीज़ देखते हैं, हॉल में जाके देखते हैं, घर में देखते हैं, जिसे सबसे पुराना वो आहट सुना होगा, आहट आता था बहुत पुराना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे डर जाते थे। तो वो भी क्या है, जो आपके संवेग है, मतलब जो आपके इमोशंस आ रहे हैं बाहर, जो फीलिंग्स आ रही हैं, आप एक पल में जो आपका मूड स्विंग कर रहे हैं, तो वो सारी क्या चीज़ होती है, वो हमारे इमोशंस होते हैं। वो आपके, वो कुछ भी हो सकते हैं, लाइक आपका डर हो सकता है, डर मीन्स भय हो सकता है आपका, आपकी खुशी हो सकती है, दुख हो सकता है, और आप बताइए लाइक और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कि डर हो गया, खुशी हो गया, दुख हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके इमोशंस होते हैं। और आपको ये चीज़ सीखनी है एज अ टीचर, और बच्चों को जानने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि बच्चे का किस टाइम पे, किस सिचुएशन में कैसे मूड स्विंग हो जाता है, आपको उसे कंट्रोल कैसे करना है, वापस से उसका मूड कैसे चेंज करना है ताकि वो आपकी स्टडीज़ में फोकस कर सके, या उसकी डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उनको कैसे वो टैकल कर सके। ओके, इसीलिए हमको इमोशंस इंटेलिजेंस को पढ़ने का यही संप्रत्यय, यही कॉन्सेप्ट है कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस भी हमारे माइंड में होती है। इंटेलिजेंस, बुद्धि, हमें सिर्फ सीखना ही नहीं होता है कि सीखना ही सीखना है, कुछ ऐसी चीज़ें भी तो होती हैं, फीलिंग्स भी तो होती हैं, कि हमें उन पर कंट्रोल करना भी आना चाहिए। अगर अभी मैं कोई चीज़ पढ़ रही हूँ या समझा रही हूँ, इंस्टेंटली मेरे माइंड में कोई थॉट आती है, या मुझे कोई अपना प्रीवियस या पुराना कोई पास्ट याद आ जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंट याद आ जाता है जो मेरे बहुत बैड एक्सपीरियंसेस रहे हों, तो एकदम क्या होगा, मेरा मूड स्विंग हो जाएगा। बट मूड स्विंग हो गया तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अभी आपके सामने क्लास में खड़े खड़े रोने लग जाऊं, तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा स्टडीज़ में, और मेरे लिए भी, मेरी क्लास लेक्चर के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इस टाइम पे मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, एकदम से याद आ गया किसी टॉपिक को लेके, तो उसे अभी आपके सामने कैसे कंट्रोल करना है, इज दैट पॉइंट कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि आपको कंट्रोल करना आ सके,
कि आपको सिचुएशन पता हो सके कि ये सिचुएशन वो नहीं है जहाँ पे आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर मैं आपके साथ में क्लास में आपके सामने खड़ी हूँ और मुझे कुछ याद आ जाए तो मैं यहीं पे रोना स्टार्ट कर दूँ, यहीं पे सैड हो के साइड में कॉर्नर में जाके खड़ी हो जाऊँ, तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि मेरी लेक्चरर या मेरी टीचर ही ऐसी है जो ऐसे मतलब बीच बीच में कभी भी उनके मूड स्विंग्स हो जाते, तो आप भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे पढ़ने में, राइट। तो इसीलिए इस टाइम पे मुझे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है अपना मूड खुद स्विंग करना पड़ेगा, उस पर अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आफ्टर लेक्चर जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में जाऊँगी या कुछ, तब मैं कैसे भी अपने मूड्स में रह सकती हूँ, राइट। तो इसीलिए आपको भी ये चीज़ सीखनी है एज अ टीचर कि आप बच्चों के मूड्स को कैसे कंट्रोल करना सिखा सकते हो, उनके मूड्स को कैसे चेंज कर सकते हो, या उनको कैसे बताना है कि आपकी फीलिंग्स जब कन्वर्ट होती है तो आपको किस सिचुएशन में उनको एक्सप्रेस करना चाहिए और कैसे नहीं। अब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे बच्चों का बढ़ती उम्र के साथ लव फीलिंग्स आने लगती हैं और अपने अपोजिट सेक्स के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो कई सिचुएशन ये नहीं होती कि वहाँ पे भी आप उसको एक्सप्रेस कर सके। बिकॉज अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके सामने वाला बंदा जिसको आप लाइक करते हैं एनीथिंग एल्स, तो आप उसको वो चीज़ बोल सके, क्यों नहीं बोल सकते। अगर वो आपको लाइक नहीं करती होगी तो आपको पता है कि वो मुझे लाइक नहीं करती या उसके दिल में उसके आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो इसीलिए आपको वहाँ पे वो चीज़ें नहीं एक्सप्रेस करनी चाहिए। बिकॉज वो सिचुएशन ही ऐसी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिवाय सैडनेस और रिजेक्शन के कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए तो आपको वहाँ पे उस सिचुएशन में क्या हुआ, आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया, आपको पता है अपने दिल से कि हाँ लाइकनेस है या जो भी है फीलिंग्स है, लेकिन वहाँ पे भी आपने क्या किया उसको कंट्रोल करना आना चाहिए कि आपने वहाँ पे कंट्रोल किया। एंड मैं आपके साथ क्लास में ये रियल एग्जांपल्स इसीलिए डिस्कस करती हूँ बिकॉज हम अपने एनवायरनमेंट से इन्हीं सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अगर मैं बहुत थॉरेटिकल और किताबी भाषा बोलूँगी तो आपको भी समझ नहीं आएगा अच्छे से। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं जो हमारी डेली लाइफ के, जो हमारे प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में चलते हैं। अगर मैं आपके साथ ऐसे एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ तो उसका मोटिव यही है कि आपको ये समझाना कि जो जिस फैक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस रूप में है, ठीक है। इसीलिए आप इसको कभी पर्सनल मत लीजिए कि मैम ऐसी चीज़ें डिस्कस करती है कि लव फीलिंग्स एंड ऑल, तो ये सिर्फ इसके एग्जांपल्स हैं ताकि आपको समझ आए। तो वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, तो आपको पता चल गया इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होते हैं। जो भी हमारे इमोशंस हैं, जो भी हमारे संवेग हैं जिनको हिंदी में संवेग कहते हैं, उन पे कंट्रोल करना, भावनाएं व्यक्त करने का एक टाइम होना चाहिए, एक सही पॉइंट होना चाहिए, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए, वे ऑफ एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ये चीज़ देखी बस रोने लग जाओ, आपको पता है नहीं क्या है क्या नहीं, रोने लग जाओ हर चीज़ के लिए, बस आपने एक ही सोल्यूशन ढूंढा हुआ है कि रोना, आपको ये नहीं मिल रहा रोना, आपको वो नहीं मिल रहा रोना। अरे कहीं पर तो कोई चीज़ डिफरेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग कि आपकी फीलिंग्स भी डिफरेंट होंगी, इमोशंस भी डिफरेंट होंगे, यानी कि वे ऑफ एक्सप्रेशन भी डिफरेंट होंगे। तो इसीलिए यही चीज़ हमें पढ़नी है और बच्चों को भी यही चीज़ समझानी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे सॉल्वी एंड जॉन मेयर ने डिस्कस करे हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ भी डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हमारा आत्मचेतना यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। किसी भी बच्चे के अंदर या व्यक्ति के अंदर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको खुद की इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको अपने इमोशंस के बारे में नहीं पता कि आपका मूड कब स्विंग हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस कारणों से हो रहा है, कहाँ पे आपको उसको कंट्रोल करना है, कहाँ पे खुद को मोटिवेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में भी उससे जुड़े हुए सही निर्णय ले सको। अब निर्णय किस रूप में लोगे, अगर आपको पता है कि आत्मचेतना है आपके अंदर यानी कि सेल्फ अवेयरनेस है अपने इमोशंस को लेके, तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो। आपको ये पता होता है कि मेरे इमोशंस को कहाँ पर कंट्रोल करना है, कहाँ पर नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास रूम है और 10 बच्चे हैं, ठीक है। मैंने सेम चीज़ सबको करने के लिए दी एंड एक ने अच्छा किया और एक ने बहुत बुरा किया।
फॉर एग्ज़ाम्पल, कि एक ने बहुत अच्छा किया और एक ने बहुत बेकार किया, ठीक है, तो अब वहाँ पे बच्चा क्या करेगा? अगर बच्चा ये सोचता है कि इसको तो ए प्लस मिला है और मुझे तो ज़ीरो मिला है, और मैं वहीं पर रोने लग जाऊँ, डिप्रेशन में चला जाऊँ, घर पर जाके मम्मा को बोलूँ, शिकायत करूँ, रोता रहूँ, खाना ना खाऊँ, मैं अपने एक्सप्रेशंस मतलब अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को ऐसे एक्सप्रेस करूँ, तो वो कोई तरीका नहीं होगा, मतलब एक पॉजिटिविटी नहीं होगी, कोई सही तरीका नहीं हुआ, ठीक है। छोटे बच्चों में होता है, उनको ये नहीं पता होता है कब कहाँ पे क्या चीज़ एक्सप्रेस करनी है, तो वही तो एज अ टीचर आपको सिखाना है बच्चों को, वही तो चीज़ें आपको एज अ टीचर ऑब्जर्व करनी है बच्चों को, ताकि आपको पता रहे कि बच्चा क्या चीज़ गलत कर रहा है, आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करनी है वहाँ पर बच्चों को, ठीक है। तो इसीलिए तब अगर आप उनको इस वे में प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा बच्चे के साथ, तो बच्चा उस वे कंडीशन में क्या करेगा कि आज इसको ए प्लस मिला है, मुझे जीरो अंडा मिला है, कोई बात नहीं, मैं कल को डबल मेहनत करूँगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगा और ज़्यादा टाइम अपना स्टडीज़ पे दूंगा, फोकस करूँगा, जो भी मेरे वीक पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपर वे में करूँगा, तो बच्चा क्या है नेक्स्ट टाइम अच्छा अचीव करेगा, क्या पता वो उससे भी ऊपर चला जाए, वो ए है, वो ए प्लस हो जाए, वो और अपना ओवर कॉन्फिडेंस बच्चा हो जाए, फिर वो नीचे गिर जाए। तो इसीलिए बच्चे ने क्या किया, अपने एक्सप्रेशंस को वहाँ पे, अपने इमोशंस को उस टाइम पे कंट्रोल करके अब पॉजिटिविटी टाइम पे एक्सप्रेस किया है कि देखो मैंने अच्छा स्कोर किया है, कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, उस टाइम पे मैंने नहीं किया था, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चे के अंदर, कि वो सही टाइम पर सही निर्णय ले सके अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। सेकेंड पॉइंट आता है इसके अंदर, देखिए ये जो सेकेंड पॉइंट है संवेगों का प्रबंधन, मैनेजिंग इमोशंस, इसके बारे में हम अभी तक जब भी इमोशंस का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली है कि आपको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, किस टाइम पे कौन से एक्सप्रेशंस को आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो वही है कि मैनेज करना आना चाहिए अपने इमोशंस को, कब आपको डर लग रहा है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, किसी से ईर्ष्या हो रही है, जेलस फील हो रही है, घृणा आ रही है किसी से, ये सारी चीज़ें क्या है आपको टाइम पे मैनेज करना आना चाहिए, कि अभी आ रहा है तो इसका जवाब ये नहीं कि आप उसका मुंह तोड़ के दे दें कि मेरे को तो तेरे ऊपर गुस्सा आ रहा था, लगा दिए दो, बात खत्म, मेरा गुस्सा शांत, वो नहीं है। आपको किस बात पे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, और उसका सही पॉइंट निकालिए कि आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, और इसको किसी और तरीके से कैसे हैंडल किया जाता है। मारपीट, लड़ाई झगड़े से तो कुछ शॉर्ट आउट नहीं होता, आप उसके एक मारेंगे वो आपके दो मार देगा, ऐसे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, दोनों की दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा, तो इसीलिए वो प्रॉपर वे नहीं है। तो वहाँ पे मैनेज आपको ये करना है कि अगर मेरे को उससे किसी पॉइंट पे जेलस फील हो रही है कि वो मेरे से अच्छा स्कोर कर रहा है, तो आप और ज़्यादा मेहनत करिए ताकि वो आपसे कल को जेलस फील करे, तो पॉजिटिविटी कहाँ हुई, आपने उसको किस टाइप में सही रूप में मैनेज किया, पॉजिटिव में मैनेज किया। और कहीं किसी रूप से आपको किसी चीज़ से ईर्ष्या हो रही है, जेलसिंग फील हो रही है कि हाँ मुझे इसके पास ये वाली ड्रेस है, मेरे पास नहीं है, क्या पता उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो, उसके पेरेंट्स वो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने दिला दिया, आपके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, कल को सक्सेस हुई है लाइफ में तब आप उसे डबल ले लेंगे। तो इसीलिए अपने एक्सप्रेशंस को मैनेज करना आना चाहिए, अपने इमोशंस को मैनेज करना है आपको, कि वो कहाँ पे आपको किस रूप में एक्सप्रेस करने हैं, और उस टाइम पे वो चीज़ अच्छी भी लगती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर आपका, ओके, थर्ड पॉइंट आता है हमारा, दूसरों से सहानुभूति, यानी कि सिंपैथी विद अदर्स। अब इसमें क्या पॉइंट है कि आपको अपने इमोशंस को जानना, पहचानना और उस पर कंट्रोल करना तो आना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको दूसरों के साथ सिंपैथी का भी गुण होना चाहिए, कि आपके सामने वाला आपके लिए, आपके सामने कौन से एक्सप्रेशन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स है, ये नहीं कि आप वो वाला चीज़ करें, यहाँ पे अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ठीक है मेरा काम तो हो गया, मुझे तो आपसे ये चीज़ चाहिए थे, लाइक क्लासरूम में आपने किसी से बोला कि मैंने अपनी क्लास स्किप कर दी थी, तो प्लीज़ मुझे वो नोट्स प्रोवाइड करा देना, उसने एज अ फ्रेंड आपकी हेल्प कर दी कि हाँ ठीक है आप नोट्स ले जाओ, ठीक है
आपने उसने क्या कहा कि नोट्स कॉपी करके या फोटोस्टेट करा के प्लीज़ आप मुझे वापस कर देना, मुझे भी पढ़ाई करनी है। तो आपने क्या किया, आप उसके नोट्स ले गए और आपने रख लिए अपने पास, आपने उसको वापस नहीं किए और आपने उससे झूठ बोल दिया कि नहीं मेरे से तो खो गए, मुझे नहीं पता। तो प्रॉब्लम किसको हुई, उसको हुई जिसने हेल्प करी आपकी, क्योंकि उसके पास एक ही कॉपी थी, उसने आपको दे दी, तो वो अब किससे पढ़ाई करेगा। तो इसीलिए आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरा काम तो बन गया, अब उसके लिए मुझे क्या करना, अब वो पढ़े ना पढ़े, एनीथिंग, कुछ करे ना करे, वो जैसे मैनेज करे करे, मुझे क्या पता। तो आपको ऐसे भी रहना चाहिए, आपको उसे वहाँ पे क्या किया, आपने उसको हर्ट किया, उसकी फ्रेंडशिप में चीट किया आपने। तो इसीलिए आपको अपने इमोशंस पता हैं, अपने इमोशंस की आपको कद्र है, तो इसीलिए आप दूसरे की इमोशंस की भी कद्र करनी सीखिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए, उनका सुख दुख का साथी बनिए, उनको सपोर्ट करिए, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स में उनको सपोर्ट करिए। अगर आप उनके मतलब जो लाइफ में अगर आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी आपके पार्टनर्स हैं, आप उनके साथ उनका सपोर्ट करते हैं, सिंपैथी की भावना होती है कि हाँ मैं आपको समझता हूँ, आपके हर टाइम पर आपके साथ हूँ, क्या वो सुख का टाइम हो या दुख का टाइम हो, आई एम ऑलवेज विद यू, तो इस टाइम की ये वाली फीलिंग्स क्या होती है, वो आपके साथ ऑलवेज लाइफ टाइम फ्रेंड्स रहते हैं और हर चीज़ आपसे शेयर करते हैं, एक अच्छी बाउंडिंग बन जाती है। तो इसीलिए आपको अपने फीलिंग्स और इमोशंस पता होने के साथ साथ दूसरों के साथ भी सहानुभूति जतानी आनी चाहिए, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो सोशल एनवायरनमेंट है आपका, वो इसी गुण पर निर्भर करता है। अगर आप किसी के साथ सिंपैथी नहीं दिखा रहे हैं, अपने आस पड़ोसियों के साथ बात नहीं कर रहे हैं, उनको आते जाते गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मतलब कुछ विश नहीं कर रहे हैं, या अपनी में खोए रहते हैं, बस जाना आना, तो आप क्या है, सोशलिज्म नहीं है, आप अपनी लाइफ से बाहर ही नहीं आए हैं, आप समाज से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो आपका एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपर ढंग से। तो इसीलिए ये सारी फीलिंग्स जो हैं, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके दूसरे को भी इस रूप में अपने साथ लेकर चलिए कि आपके अंदर ये वाली भावना भी होनी चाहिए, ये वाली फीलिंग्स भी होनी चाहिए कि आपको अपनी फीलिंग्स की कद्र है तो दूसरे की भी है, कि दूसरे को किसी को हर्ट नहीं करना, किसी का फ़ायदा नहीं उठाना है कभी भी, और दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट देनी है, उनको सपोर्ट करना है, अगर वो उनकी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं तो उनको आगे तक उनका सपोर्ट करना है, उनको एक्सप्रेस करने में हेल्प करनी है। ओके ओके, अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है आत्म अभिप्रेरणा, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन। अब सेल्फ मोटिवेशन कैसे आता है, आपको किसी और के द्वारा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, खुद से मोटिवेट हुई है आप लोग, ठीक है, आपको एज अ टीचर पता है कि खुद से मोटिवेट कैसे होना है, और बच्चों को इतना स्ट्रांग कर दीजिए पढ़ा कर, गाइड करके, उनके अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप करके, ताकि बच्चे खुद अपना मोटिवेशन करें, खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो। अब अगर मैं हूँ, सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या है, लाइक मैं हूँ, मुझे पता है कि मुझे टीचर बनना है, मैं सारी पढ़ाई क्यों कर रही हूँ, टीचर बनने के लिए, तो मुझे खुद को पता है कि मुझे टीचर बनना है, तो वो वाले ऑब्जेक्ट, वो वाले जो मेरा गोल है उसको अचीव करने के लिए मैं खुद से मोटिवेटेड होंगी कि हाँ मुझे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, क्या आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे पढ़ना ही है, मेरा टाइम टेबल सेट है कि मुझे इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे ये करना है, क्यों, क्योंकि मुझे वो अपना गोल अचीव करना है जो मैंने सेट किया हुआ है कि मुझे टीचर बनना है, तो इसीलिए मैं खुद से मोटिवेटेड होंगी, मुझे मेरे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जानने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, पेरेंट्स मेरे को आके 10 बार ये बोले तुम पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुमने आज पढ़ाई नहीं की, तुमने आज पूरा दिन भूले हो, पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, ये सारे लेक्चर सुनने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ना मेरे पेरेंट्स मुझे बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ उसका गोल सेट है कि उसे वो अचीव करना है, तो वो खुद से ही मेहनत करेगा, बच्चा क्या है, खुद से ही मेहनत करेगा, तो पेरेंट्स भी उसको कल को नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए आपको खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होना है, अपने इमोशंस को रख के, कि मुझे अपने इमोशंस कहाँ पे एक्सप्रेस करनी है, अपनी फीलिंग्स कहाँ पे। अब आप अगर ये समझ रहे हैं कि पढ़ना किस तरह की फीलिंग्स हुई, पढ़ना मतलब सेल्फ मोटिवेटेड हो रहे हैं आप वहाँ पे जो आपके सारे संवेग हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं, आपने उनको इकट्ठा करके कहीं एक कोने में रख दिया है,
स्टडी टाइम पे इस पे नो फोकस, तो अगर कोई इमोशंस और ये सब आ भी जाते हो तो उस पे कंट्रोल कर रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि अभी मेरा स्टडी टाइम है, मुझे इस पे फोकस करना है. नो गर्लफ्रेंड, नो बॉयफ्रेंड, नो फ्रेंडशिप, नो फ्रेंड सर्कल, नो फैमिली, नो फंक्शंस, उनको सबको क्रॉस कर दिया आपने, कहीं नहीं आना जाना, बस कमरे में बंद और पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई. तो इसीलिए क्या किया आपने, वहाँ पर अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपको सेल्फ मोटिवेटेड भी होना चाहिए एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, कि आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पे कब क्या काम करना है. लास्ट पॉइंट है इसके अंदर हमारा, फिफ्थ पॉइंट. ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा मधुर संबंध, यानी कि गुड रिलेशन. इसके अंदर क्या करते हैं हम, अपने द्वारा जो हमारे बाकी सब लोग हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, हमारे मेरा परिवार है और मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरी सोसाइटी है, उनके साथ आपको गुड रिलेशनशिप्स डेवलप करने हैं. आपको वहाँ पे गुड रिलेशनशिप मतलब एक मैत्रीपूर्ण यानी कि एज अ फ्रेंड जज करना है, एज अ फ्रेंड बन के रहना है, ताकि आप वहाँ पे किसी भी चीज़ में सपोर्ट कर सके उनको. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको सपोर्ट कर सके. देखिए, अगर आप अगर बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में कौन रह रहा है, आपके आस पड़ोस में कौन रह रहा है, आपके बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है, ऊपर नीचे कौन रह रहा है, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ है. मैं सीधा कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से घर में अपना बंद होकर पढ़ाई करता हूँ, टीवी देखता हूँ और इन्जॉय करता हूँ, डिस जाता हूँ, ये वो. तो ठीक है, चलिए मान लिया वो चीज़ आपकी है, आपका वो सोशल लाइफ है, ठीक है. लेकिन जब कभी आपको प्रॉब्लम होगी, अगर मान लीजिए 100 तरीके की प्रॉब्लम होती है लाइफ में, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको कैश रिलेटेड फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो. प्रॉब्लम तो कैसी भी हो सकती है, आप कॉलेज से आ रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, सोसाइटी के बाहर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती है ताकि आपको नीड है किसी की, तो उस टाइम पे क्या होगा, तब आपकी भी कोई हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज आपको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है. वो किसी अननोन पर्सन की क्यों हेल्प करेंगे, क्योंकि वो जानते पहचानते नहीं है. बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की हेल्प करते हैं आजकल बिना जाने पहचाने. ओके, तो इसीलिए अगर आपको पता है कि आपके सोसाइटी में ये लोग रहते हैं, आप उनसे बहुत अच्छे से सत्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे बोलते चालते हैं, हर फंक्शन में मिलते हैं, उनको अपने घर बुलाते हैं, उनके घर जाते हैं, एक गुड रिलेशनशिप्स हैं आप लोगों के बीच, तो आपको कहीं पर भी कभी प्रॉब्लम होगी, आप कभी दूर मार्केट में भी होंगे और वहाँ पर आपके पास पैसे भी नहीं हुए ना कुछ ख़रीदने के लिए, और आपको पड़ोस वाले अंकल मिल जाते हैं, तो उस टाइम पर वो भी आपकी हेल्प कर देंगे कि अंकल जी मुझे 100 रुपये दे दीजिए, मुझे ये लेना है तो मैं आपको घर जाके दे दूँगा. तो उन्हें भी पता है कि हाँ ये बेटा बहुत अच्छा है, ये तो वहाँ रहता है, हमें पता है, हमारा पड़ोसी है, तो उस टाइम पे बिना सोचे समझे आपकी हेल्प कर देंगे. वहाँ पे उनको सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स वहाँ पे इतने अच्छे हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, आपको सब जानते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है मेरे अगर आप उस सिचुएशन में हैं कि आपको 100 रुपीज़ की नीड है, आपको कुछ सामान लेना है, कम पड़ गए और पड़ोस वाले अंकल आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको बस शक्ल पता है कि इनको देखा तो है, कहीं तो देखा है, बट कहाँ देखा है मुझे नहीं पता, उनको भी पता है कि हाँ ये भी देखा देखा सा है, कहाँ रहता है, कहाँ क्या करता है मुझे नहीं पता. अगर आप उनसे फ्रेंडली मांग भी लेते हैं कि अंकल मुझे 100 रुपीज़ दे दीजिए, मुझे नीड है, तो भी वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो सीधे बोलेंगे मुझे क्या पता तू कौन है, मैं कैसे हेल्प कर दूँ, कल को मेरे को पैसे नहीं दिए वो. आप उसको 36 बातें बोल देना, मीठी मीठी बातें कर लेना, वो फिर भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे. तो ये जो ट्रस्ट इशू होता है ना, वो रिलेशनशिप के कारण आता है, क्योंकि वहाँ पे गुड रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं. तो इसीलिए हमको अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग किसी के साथ भी गुड रिलेशनशिप स्थापित करने चाहिए, बनाने चाहिए, मेंटेन करने चाहिए, जिससे कल को आपको कोई प्रॉब्लम हो या किसी ऐसी सिचुएशंस में हो आप, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल सके और आप भी किसी और की हेल्प कर सके. अगर आपके साथ भी कोई फैमिलियर नहीं होगा तो आप भी किसी की हेल्प वहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है. तो छोटा सा और बड़ा अच्छा सा टॉपिक था वैसे, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आपने समझ आ गया होगा, सॉल्विन और जॉन मेयर ने दिया था. और ये डर, खुशी, दुख, ये सारे हमारे इमोशंस होते हैं. किसी के साथ घृणा या ईर्ष्या,
मतलब जेलिसी फील करना, ये सारे क्या हैं, हमारे इमोशंस होते हैं सुख दुख। और ये इसके 5 पॉइंट दिए थे जॉनवी और मेयर जी ने कि बच्चे को सेल्फ अवेयरनेस करनी चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए इमोशंस को, सेम्पथी होनी चाहिए दूसरों के इमोशंस के प्रति, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कब किस इमोशन को कंट्रोल करना है कब नहीं करना, खुद से मोटिवेटेड होना चाहिए, बाहर से किसी को आने की ज़रूरत ही नहीं है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और लास्ट पॉइंट था हमारा, गुड रिलेशनशिप आपको मेंटेन करने चाहिए दूसरों के साथ, ताकि आपको कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे उस सिचुएशन में अच्छे से टैकल कर सकें। ठीक है, तो इसके साथ मेरी ये वाली वीडियो फिनिश होती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू सो मच।